रुको यार, ये सब गेम प्लान है। उठो कार्तिक, अगर ये सच है कि तुमने सेवेंथ स्टैंडर्ड से मुझसे प्यार किया है तो तुम्हें इन गुंडों का सामना करना होगा। पिक्चर में ये कैरेक्टर कब आया? इंटरवल तो होने देती। ट्रायंगल लगता है भाई। अगर अपने 10th स्टैंडर्ड की पांचवी सहेली का दिल जीतना है तो इनकी हड्डियां तोड़कर इन्हें सबक सिखाओ। क्यों बचपन के प्यार को जगा रही है? अगर ये जग गया ना तो हम हमेशा के लिए सो जाएंगे। सोया हुआ प्यार जग गया। कार्तिक, इनमें से एक को भी मत छोड़ना। इसी रिएक्शन के इंतजार में अब तक एक्शन नहीं किया, आपकी दिवाली बम्पर ऑफर अब खत्म हो गई है। पैसे वसूल हुए मैडम। कार्तिक, तुम सच में मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, पूरी दुनिया से मुकाबला कर सकते हो। आई लव यू कार्तिक। क्या हुआ गुरु, अभी तक किक नहीं लगी क्या? अरे इस पानी कम से क्या किक लगेगी, हमारे प्लान पर मोहर लगाकर जब भाग्यश्री ने आई लव यू कहा ना तब लगी थी किक, और हमारे प्यार को देखकर उस बंदरिया इंदु को जब जलन हुई ना तब असली किक लगी। एक बात बता, गम हो या खुशी तेरे मुंह पे इंदु का नाम क्यों रहता है? अरे अब तो उस लड़की के बारे में सोचना छोड़ दे। अबे वो लड़की नहीं है यार। अच्छा? वो तो आयरन मैन की बहन है। आइए आइए, बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री मारती हो। अगर तुम्हें भाग्य और मेरे प्यार में पढ़ने से प्रॉब्लम हो रही है तो इसके पीछे की असलियत सुनकर तो तुम जल ही जाओगी। मैं आया था इस कॉलेज में उसका दिल जीतने के लिए, ताकि उसके कमीने बाप से बदला ले सकूं, बेटी के जरिए घमंडी बाप की गर्दन तक पहुंचूं और उस बुड्ढे को अपने पैरों में गिराकर माफी मंगवाऊं। भाग्यश्री वो हम मैं हाँ कल गणेश उत्सव है ना, उसमें भाग्यश्री आई लव यू नाम का नाटक कर रहे हैं, उसकी रिहर्सल शुरू है। क्यों है ना? भाग्यश्री का फेस कितना एक्सप्रेसिव है, क्यों ना इसे ही हीरोइन बना ले। गणेश उत्सव तो 4 दिन पहले ही था ना। गणेश उत्सव हो या दशहरा हो तुम्हें क्या, ड्रामा जरूरी है, फेस्टिवल तो आते जाते रहते हैं। बंद करो अपना ये ड्रामा। क्या कह रहे थे, मेरे पापा चालू हैं? भाग्यश्री, उन्हें तुम अपने पैरों में गिराओगे? भाग्यश्री, तुम मेरे पापा के बारे में जानते क्या हो? उनसे मिलने के लिए लोग घर के बाहर लाइन लगाते हैं, ऐसे इंसान के लिए इतनी घटिया बातें करते शर्म नहीं आई? हेलो भरत। भाग्यश्री, मैंने तुम्हारे प्यार को नजरअंदाज किया, उसके लिए सॉरी। क्या सच में? आई लव यू इंदु, इसके लिए तुम ही फिट हो। भाग्यश्री, भाग्यश्री क्या हुआ? तुम हीरो थे और वो हीरोइन थी ना, लेकिन तुम्हारी हीरोइन तो चली गई। देखते रहना, तुम्हारी कोई भी लव स्टोरी पूरी नहीं होगी, ना ही तुम किसी से प्यार कर पाओगे और ना ही शादी, दोनों के लिए तरसोगे तुम। ऑल द बेस्ट। ए छक्कली, दोस्तों मंजिल के इतने करीब आई जीत को हार में बदलने वाली इस लड़की के साथ क्या करना चाहिए? थोड़ा सोचने के लिए टाइम तो दो। तुम कर भी क्या सकते हो, ज्यादा से ज्यादा एक बियर और पी लोगे। हेलो अमेरिका के डायमंड किंग, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, गुड न्यूज। अरे हिंदू, अमेरिका के डायमंड किंग मिस्टर अनिल झवेरी इस रिश्ते के लिए मान गए हैं, इतने बड़े खानदान में इसका रिश्ता करवाने का सपना अब सच होने वाला है। अच्छा हुआ, एक बला तो टली हमारे सिर से। सॉरी पापा, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। कई भैंस पानी में। इतना ऊंचा खानदान नसीब वालों को ही मिलता है, उनका इरादा बदलने से पहले ये शादी हो जानी चाहिए, कोई समझाओ रे इसे। तुम्हारे बहाने हमें लास वेगास के कैसीनो में जुआ खेलने का मौका मिलेगा। प्लीज, जब शादी करने का मन होगा तब बता दूंगी। सुनो, शायद वो हमसे बात करने से हिचकिचा रही है, हो सकता है तुमसे खुलकर बात करे। अंकल, इतना अच्छा रिश्ता है, तुम मना क्यों कर रही हो? असल में मुझे किसी और से प्यार हो गया है। तुम्हें प्यार हो गया है? कौन है वो? तुम उसे जानती हो, वो हमारे कॉलेज के एंटी लवर स्क्वाड का लीडर है, कार्तिक। कहानी में एक और ट्विस्ट, इन भाइयों का जानी दुश्मन इस घर का दामाद बनेगा। क्या तुम कार्तिक से प्यार करती हो?
जितना मैं कार्तिक की दीवानी हूँ उतना ही वो मेरा भी दीवाना है। और अगर घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं माने तो मैं भाग के शादी कर लूंगी। अगर कार्तिक मेरी फैमिली से डर गया तो मैं पापा की पसंद से शादी कर लूंगी। उस कार्तिक को ऐसे डराऊंगा कि वो चैन से सो भी नहीं पाएगा। सुनो, हाँ बॉस। मेरे मेयर की पोस्ट छीनने वाले की मौत को पोस्टपोन कर दो। जाकर पहले उस कार्तिक को पकड़ो। उस एंटी लवर स्क्वाड के लीडर के हाथ पैर तोड़ दो। उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। अब इस फैमिली को कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं। तो कार्तिक से प्यार वाली बात झूठी थी? प्यार करे मेरी जूती, ये सिर्फ रिवेंज है। मारो सबको, छोड़ना मत किसी को। तो इश्क का भूत उतरा कि नहीं? इश्क तो और गहरा हो गया। यही तो मैंने अपने पापा से कहा कि मैं तुम्हारे प्यार में डूब गई हूँ। पागल हो गया, ऐसा क्यों कहा? ताकि अगर मेरे पापा को पता चल गया कि मैं किसी से प्यार करती हूँ तो वो उसे सीधा हॉस्पिटल पहुँचा देंगे। अच्छा, पापा तो बहुत पावरफुल लगते हैं। बहुत पावरफुल, जानते हो वो कौन है? डी ब्रदर्स ग्रुप के चेयरमैन धनंजय। क्या कह रही हो, वो तो भाग्यश्री के पापा है ना? दिल के साथ साथ दिमाग को भी गिरवी रख दिया क्या? भाग्यश्री के पापा डॉक्टर है। वो एक डॉक्टर है? तुम मेरे पापा के बारे में जानते क्या हो? उनसे मिलने के लिए लोग घर के बाहर लाइन लगाते हैं। हैला, मतलब यही मेरी चिट्ठी है? जाने अनजाने इसने भाग्यश्री की ट्रेन को पटरी से उतार दिया और अब खुद उसी पटरी पर चढ़ गई है। सो स्वीट ऑफ यू। हवा निकल गई नाम सुन के। पापा ने गुंडे भिजवाए तुम्हें पीटने के लिए। जब वो आएंगे तो बहुत पछताएंगे, आने दो। पछताओगे तो तुम बच्चू। अपना काम हो गया, गुस्से में दी हुई किसने बाजी पलट दी। हाँ बोल। धनंजय के आदमी हमें बुरी तरह से पीट रहे हैं। अब दो हो या 200, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे बाप रे, कहां छुपे हैं बे थ्री इडियट्स? ए धनंजय, अपनी बेटी से प्यार करने वालों के हाथ पांव तोड़ने का बहुत शौक है ना? तेरी किस्मत ही खराब है, मुझे उससे प्यार हो गया। सही कहा ना डार्लिंग? ये जूनियर आर्टिस्ट, तूने इन लोगों को हमारे प्यार की झूठी कहानी सुनाई है ना? मैं इस झूठ को सच में बदल दूंगा। वो क्या है ना, उस दिन के बाद मेरा तुम पे दिल आ गया है। अपनी बेटी की बात सुन ली तो अब मेरी भी एक बात सुन ले। इंदु, आई लव यू। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे ही घर में आकर मेरे ही सामने मेरी बेटी को आई लव यू बोल रहा है? ए, मारो इस कमीने को। दोस्तों छुप जाते हैं, नहीं तो मार पड़ेगी। रुको, 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 रुको। अब जब बात हाथापाई पे उतर आई है तो तुम्हें मैं एक राज की बात और बता दूं। तुम्हारे सपनों को खाक करने वाले जिस आदमी की तलाश तुम कर रहे हो ना, वो मैं ही हूँ। नहीं समझे? जानते हो तुम्हें मेयर बनने से किसने रोका? मैंने। बंद कर दो सारे दरवाजे। जिसे मैं ढूंढ रहा था आज खुद ही अपनी मौत को ढूंढते हुए मेरे सामने आकर खड़ा हुआ है। मारो साले को। तेरे चेहरे पर यही डर तो देखना था मुझे।
पर बहुत तरस आ रहा है। जानना चाहता है कि मैं कौन हूं। मैं रामचंद्र का बेटा हूं। जिस जगह मेरे पापा की बेइज्जती हुई उसी जगह खड़े रहकर मैं आज ये कसम खाता हूं कि तुम्हें अपने पैरों में गिराकर तुमसे माफी मंगवाऊंगा। तुम अपने हाथों से अपनी बेटी को मेरे साथ विदा करोगे। इसे धमकी मत समझना, ये पत्थर की लकीर है। तेरी बिगड़ैल बेटी को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा और तेरे इस खानदान का दामाद बनूंगा, और मैं ये सब करूंगा तुम तीनों की आंखों के सामने। अगर रोक सको तो रोक कर दिखाओ मुझे।